ये फिजिकल साइंस है। चलिए इसमें यूनिट वन देखते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, साइंटिया से हुई है। साइंटिया, साइंटिया, यहाँ गलत लग गया है, स्किंटिया दिया है, साइंटिया, SCIENTIA। फिजिकल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। किसने कहा था विज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव की अराजक विविधता को तार्किक रूप से एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है? आइंस्टीन। भौतिक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? फ्यूजिस का, इसको देख लीजिएगा। कौन सा विज्ञान की प्रवृत्ति का सच नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी मैक्स प्लांक ने। रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक SN बोस। निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, लेजर, अभियांत्रिक, ताप, आणविक ऊर्जा उत्पादन, उपयुक्त सभी। पदार्थ विज्ञान का उपविषय है केवल भौतिक, केवल रसायन, दोनों। विज्ञान शब्द का अर्थ है जानना। विज्ञान का ज्ञान होता है क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित, उपयुक्त सभी। किसका कथन है विज्ञान का अर्थ केवल प्रणाली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतया किस पर आधारित है? तार्किक चिंतन। विज्ञान में किसी भी समस्या को समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है वैज्ञानिक विधि। विज्ञान वर्ग में कौन से दो उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? पदार्थ विज्ञान और जैव विज्ञान। साइंटिया, देखिए यही साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, यही पहले में आंसर था। विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन। डैम्पियर, परिभाषा है डैम्पियर की। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान की प्रवृत्ति स्थिर है, यही सही नहीं, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान की प्रवृत्ति का सबसे अच्छा वर्णन है? वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए एक मार्गदर्शिका है। प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रवृत्ति में सम्मिलित होती है वैज्ञानिक विधि। विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। विज्ञान के विषय की प्रवृत्ति व निम्न से कौन सा है? स्वरूप दो सारा है, अन्वेषी तथा प्रायोगिक हो गया, विश्वसनीय तथा उपयोगी, ज्ञान और प्रक्रिया। विज्ञान विषय का किसके साथ सहसंबंध नहीं है? विज्ञान और हिंदी के साथ, बाकी के साथ संबंध है। विज्ञान के प्रमुख मूल्य हैं तीन। विज्ञान शब्द, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। यह कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। आइंस्टीन। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञान अर्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? समस्या की। वर्तमान में मानव सभ्यता कितने उच्च शिखर पर पहुंची है इसका श्रेय जाता है जनता को, गणित को, विज्ञान को? विज्ञान को। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतया किस पर आधारित होती है? उपयोगिता पर। NCF सन 2005 के अनुसार विज्ञान की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान के लिए सत्य, छात्र के लिए सत्य, छात्र के पर्यावरण के लिए सत्य। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के अनुसार विज्ञान की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे के प्रतिष्ठान। वास्तविक विज्ञान का स्वरूप किस विज्ञान में दिखाई पड़ता है? सामाजिक विज्ञान, तकनीक, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान होना चाहिए, पता नहीं। विज्ञान के संबंध में कौन सा असत्य है भी नहीं पता। पदार्थ विज्ञान का प्रकार है इनमें से कोई नहीं। रासायनिक पदार्थ विज्ञान की प्रवृत्ति में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? विज्ञान के आर्थिक पक्ष को। प्रविधियां सही है, विज्ञान का संप्रदाय भी सही है, विज्ञान के सामाजिक पक्ष भी सही। निम्नलिखित में से अनुभववादी युक्त मनोवृत्ति, मितव्ययिता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि क्या है? विज्ञान के नैतिक नियम है। कौन समिति विज्ञान सबके लिए है पुष्टि की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1926।
किसने कहा था विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है? सत्यपाल। विज्ञान की प्रवृत्ति के संबंध में सही कथन है, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होती है, विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्कसंगत विधि है, विज्ञान सदैव गतिशील होती है। उपयुक्त सभी। विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? विज्ञान के चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, ये गलत है। विज्ञान की विशेषता निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकती है? विज्ञान तथ्यों की जांच करने के लिए समग्र दृष्टिकोण है। विज्ञान शिक्षण को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? दो प्रकार। विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना, यह कथन है जॉन डीवी का, विश्वसनीय एवं उपयोगी है दौलत सिंह कोठारी। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित शिक्षण के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। नहीं उतना ही। शिक्षण के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। निम्नलिखित में सामान्य उद्देश्य नहीं है, ठोस द्रव गैस की प्रवृत्ति, बाकी सब है। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है सीमित असीमित दोनों। प्राज्य उद्देश्य का क्षेत्र है सीमित सीमित दोनों। पता नहीं ये दोनों कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। उद्देश्य शब्द मिलकर बना है उत दिस या तीनों से। निम्नलिखित में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, छात्रों के सृजनात्मक सोच का विकास करना। उद्देश्य तथा लक्ष्य की अवधि होती है दीर्घकालीन। किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? उद्देश्य और लक्ष्य का, या लक्ष्य का। उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा भी है। प्राय उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है? शिक्षक की। किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? प्राय उद्देश्य का। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता है? व्यवस्था पे। कक्षाठ भौतिकी में कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भावनात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है उद्दीपन, विचारना भी है, व्यवस्था भी है, ग्रहण भी है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया था? ब्लूम के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 1956 में। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के कितने वर्गों में विभाजित किया? 6। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, तीनों आता है। भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? मसीहा, ब्लूम और कर्थवाल, तीनों के द्वारा। निम्नलिखित में से ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है उद्देश्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, तीनों है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है संज्ञानात्मक पुस्तक, मनोगत्यात्मक से, भावनात्मक से, तीनों से। उद्देश्यों के प्रकार हैं शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, दोनों। उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? 3। निम्नलिखित से ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है ज्ञान और प्रयोग और बोध। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को संश्लेषित किया जाता है बीएस ब्लूम के द्वारा। पाठ्यक्रम होना चाहिए सुव्यवस्थित, सुनियोजित, अनुभवों वाला। उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम होना चाहिए सरल, लचीला, नमनीय। उपयुक्त सभी। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लेखन में तृतीय सोपान है संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना किसके अंतर्गत आता है? बोध। छात्रों के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों के विकसित करने का सन 1992 में किसने किया था? हैरो ने। क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है सांकेतिक संप्रेषण। लेखन विधि में मेगर ने किसके वर्गीकरण को आधार माना है? बीएस ब्लूम के। पाठ्यक्रम का अर्थ है विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव प्रकरण। उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम आवश्यक है अध्ययन अध्यापन में, व्यवहारगत परिवर्तन में, उद्देश्यों की पूर्ति करने में। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। किसने कहा पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है? एनन का। पाठ्यक्रम का निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार होगा, वैज्ञानिक आधार, शैक्षिक आधार होगा। संज्ञानात्मक उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि को दिया है रॉबर्ट मेगर होना चाहिए, पता नहीं। देखिए लेखन विधि में मेगर ने किसके वर्गीकरण? ब्लूम ने। तो यही होना चाहिए, मुझे लग रहा है रॉबर्ट मेगर। क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि को कहते हैं, देखिए ये भी है रॉबर्ट मिलर ने।
क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि को कहते हैं रॉबर्ट मिलर ने। रॉबर्ट मिलर अज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, तो यही होगा रॉबर्ट मेगर ही होगा। RCEM संबंधित है उद्देश्यों के वर्गीकरण से। प्राय उद्देश्य होते हैं विशिष्ट। यह कथन किसका है? उद्देश्य पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया की दिशा प्रदान करता है। जॉन डीवी। निम्न में से शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत है ज्ञान, व्यक्ति, समाज, तीनों। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने का उपाय है समाज, समस्या पर आधारित उपागम, व्यापार क्षेत्रों का विश्लेषण, पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन। किसकी परिभाषा? उद्देश्य वह बिंदु अथवा साधन है जिसकी दिशा में कार्य करने किस जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा उसके जिसके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्व नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। रॉबर्ट मेगर। ज्ञानात्मक उद्देश्य का 6 पदों में विस्तार किसने किया था? क्रथवाल एवं मसीहा ने। ज्ञानात्मक उद्देश्य का 3रा पद कौन सा है? प्रयोग। भावनात्मक उद्देश्य का 5वां पद कौन सा है? संगठन। मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? आदत बनना। मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? पद कौन सा नहीं, ये नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? लक्ष्य उद्देश्यों समान होते हैं, यही सही नहीं है। कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? छात्रों के बीच ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण का नहीं होना चाहिए? शिक्षार्थियों को विज्ञान के तत्व प्रस्तुत करना, ये नहीं होना चाहिए। छात्रों के रोजमर्रा के अनुभवों में से विज्ञान शिक्षा को जोड़ना, वैज्ञानिक स्वभाव को जिज्ञासा, साधना का पोषण, मूल्यों को समझना। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान समझ अनुप्रयोग। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। प्राय उद्देश्य प्राण उद्देश्य सॉरी प्राय उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। विषय वस्तु की प्रशंसा, बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का, विषय विशेषज्ञों की राय का। कौन सा उचित उद्देश्य है? वैज्ञानिक संबंधित कार्यों को करना। पदार्थ विज्ञान को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने के क्या कारण हो सकते हैं? छात्रों की सामाजिक प्रगति को तैयारी के लिए, छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, छात्रों के अंधविश्वास में मुक्ति दिलाने के लिए। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष है? अबोध। कौन सा स्तर भावनात्मक पक्ष का नहीं है? विश्लेषण। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो देखिए ग्रहण, संगठन, मूल्यवान, ये सब आएगा। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, रेखांकन आता है, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता? संश्लेषण। बाकी विचारणा अनुकूलन व्यवस्था आता है। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है सिद्धांत का ज्ञान। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है छात्रों में संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे की प्रतिनिष्ठ।